खाना यही बना है आपके पीछे में, क्या बनाया है? आज मटर पनीर बना है, मतलब हर दिन अलग बनता है, कुछ सेम नहीं होता है। जाने में भाड़ा लगता है सर। मुखर्जी नगर में आपको फायदा होता था या वहाँ जाने में हो रहा है करोड़? यहाँ पे अच्छा लगता था, यहाँ से निकलते थे, ब्लॉक सी में हम रहते, निकल के जाते थे क्लास, फिर चले आते थे नगर। इससे पहले आप भी कभी तैयारी करने आए थे क्या? नहीं, हम नहीं तैयारी करने आए थे, लड़का हमारा तैयारी करने आया था। कोचिंग तो चल रही है ये, और जो ये घटनाएं घटी है तो घटा करती है, इसमें कोई वो तो है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट इधर ही रहते हैं, मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर। 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमने आपको एग्जांपल दे के बता दिया। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, विराट कोहली ने जगह ली सचिन तेंदुलकर की, नहीं अब विराट कोहली रिटायर होगा कोई दूसरा जगह लेगा। अब देखेंगे तो इनसे अच्छा तो विजन का कंटेंट है, आप विजन के पास देख लीजिए। और आप ये चले जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नए आ जाएंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम है? आप संस्कृति के पास चले जाइए, उनके पास फैकल्टी है। मुखर्जी नगर की वजह से दृष्टि का नाम हुआ, अब इनकी ऑफिस है वहाँ पे, ऑफिस ये कभी नहीं ले जाएंगे यहाँ से। और ये कहते हैं नोएडा जा रहे हैं, करोल बाग जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रही है। दृष्टि का लोग बोल रहे हैं कि जा रही है, कहाँ आ रही है, कि जा रही है, कहाँ आ रही है। हमें एक बात बताइए, दृष्टि चली भी जाती है तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्या कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं? आप एक चीज़ बताइए हमें, सचिन तेंदुलकर रिटायर ले गए तो उनकी जगह विराट कोहली ने ली, विराट कोहली रिटायर ले जाएंगे तो और कोई आएगा, तो दृष्टि पहले तो यहाँ से जा नहीं रही है। पिछले संस्कृति बंद हुआ था तो अभी टॉप फ्लोर में चला रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में चला रहा, फिर उधर विजन चला रही है, फिर उधर ओनली आईएएस चला रहा, फिर उधर नेक्स्ट आईएएस, सब तो चल रहा है, खाली ओनली दृष्टि का क्लास यहाँ बंद है, करोल बाग में चल रही है। बताओ यहाँ पे स्टूडेंट है भी या ये भैया झूठ बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट अभी हैं, जब तक आर ओ ये सब एग्जाम बीपीएससी नहीं होगा तब तक तो कुछ खाली हो गया, मुखर्जी नगर खाली हो गया, नेहर विहार खाली हो गया। तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दृष्टि को क्यों देखते हैं? मणिकांत सर को देख लीजिए, विकास सर से कम है क्या वो? अभी स्टूडेंट है या एकदम खाली था? नहीं, अभी खाली नहीं है, अब तो ज़्यादा स्टूडेंट अभी लग रहा है, अभी एकदम ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा लग रहा है, और आ रहे हैं उधर से, मुखर्जी नगर से इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं बच्चा सर, इधर ही आ रहे हैं, उधर थोड़ा खाली हो रहा है, उधर ही सब आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं? हम तो नेहरू बी ब्लॉक में रहते हैं। कि नोएडा भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि नोएडा सब कुछ रखा रखा है, लड़का जाएगा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखा जाए तो कोई चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है। अब जैसे यहाँ पे नेहरू विहार और ये मुखर्जी नगर है, ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे अगर आपको रूम से आप लिए, अगर खाने गैस ख़त्म होता है, फ़ोन करिए तुरंत ला के पहुँचाएगा। नोएडा में ये सब होने में 4-5 साल, मेरे मुताबिक 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे। और कहने का मतलब है कि अगर संस्कृति चल रहा है तो कुछ लड़के नए आए ही होंगे, तभी चल रहा है और नॉर्म्स फॉलो हो रहा है। अब ये देखते हैं कि दृष्टि कहाँ वो कर रहा है, अपना रिवील कर रहा है फैकल्टी के मामले में। जो भी यहाँ पे मतलब जो 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ वो सब इस समय संस्कृति में है। दृष्टि के बारे में कुछ लोग फैकल्टी के बारे में भी बात करते हैं कि फैकल्टी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया वगैरह है कैसी है? संस्कृति तो एक हिंदी मीडियम का कोर है इस समय, दृष्टि अब कहना नहीं चाहिए, दृष्टि का जो भी फैकल्टी है वो सब संस्कृति में चले गए हैं। उसमें अभी जो फैकल्टी के मामले में कौन सा नंबर बने आपको क्या लगता है? हिंदी मीडियम में मेरे समझ से संस्कृति सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनका जैसे अभी पीसीएस का पेपर है तो वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, बाकी अदर स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं एसएससी बैंकिंग वाले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। लगा होगा मतलब एक अब हो जाता है कि आप जहाँ प्रॉपर तैयारी करते हैं, आप नोएडा में चले जाइए, वहाँ कॉर्पोरेट हैं और ये सभी लोग हैं, तो वहाँ पे हब बनने में टाइम लगेगा और यहाँ पहले से चीज़ें सेटल हैं। सब कुछ तो नहीं बंद है और ये डिसाइड भी अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आगे, अक्टूबर में UPPCS है और फिर से बैक टू बैक BRPCS है, फिर से RO का है पेपर, अब इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप ये सब कुछ बंद हो गया दृष्टि की क्लास बंद होने से, आपको क्या लगता है? नहीं, सब कुछ तो बंद नहीं हुआ, फिर आप यही रहते हैं गांधी विहार में? रहते हैं तो गांधी विहार का क्या मामला है वहाँ पे? स्टूडेंट वगैरह हैं खाली? हाँ, सब है अभी, सब है, सब है, सब जिनके पास सेफ्टी के जो सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके खुले हुए हैं। बच्चे काफ़ी नए भी आ रहे हैं, जब कर रहे हैं वहाँ काफ़ी महंगा भी है, तो यहाँ से 50 मिनट में पहुँच जाते हैं पूरा। करोल बाग का PG यहाँ से महंगा है जी? यहाँ से करोल बाग में ज़्यादा महंगाई है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस अभी भी चल रही हैं, जो क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी केवल वो बंद हुई हैं, और मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मेरी भी क्लास जो यहाँ चल रही थी वो बेसमेंट में चल रही थी। तो नहीं, मेरा PG बंद नहीं है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अब आ रहे हैं SPG में, बहुत सब ने एडमिशन ले रखा है। जब आप बाहर जाते होंगे लाइब्रेरी वगैरह तो आपको बाहर क्या लगता है, मुखर्जी नगर पूरा खाली है या फिर अभी भी स्टूडेंट हैं कुछ? नहीं नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, अभी हम मुखर्जी नगर में ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है। हम इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं पूरे मुखर्जी नगर में अलग अलग लोकेशन पर, आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या नाम है, बात करेंगे क्या? 1 मिनट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या?
प्रॉब्लम है किसी और बहुत ओके आप एक बार इधर आइए दोस्त, आ जाएंगे क्या एक मिनट, आइए ये शायद कहीं अपने लाइब्रेरी वगैरह जा रहे, इधर ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी ये बताइए, जैसे स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी वगैरह बंद हो गए हैं, लेकिन आपके हाथ में ये बुकलेट वगैरह कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुखर्जी नगर में जो लाइब्रेरी बंद हुई है उनका कंसर्न ये है कि जिनके पास NOC नहीं है, जो फायर एग्जिट नहीं है, जो सरकार की नियमों को पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे थे वो बंद हुए, बाकी जो जिनके पास NOC है जैसे नेहरू विहार में कुछ लाइब्रेरी हैं वो खुल रही हैं। लाइब्रेरी कुछ खुले हैं? हाँ, नेहरू विहार में खुल रही है, मैंने खुद नेहरू विहार ही ज्वाइन किया है। सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुखर्जी नगर पूरा बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनका जैसे अभी PCS का पेपर है तो वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, बाकी अदर स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं SSC बैंकिंग वाले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। PG वगैरह ओपन है? हाँ, PG हमारे चल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, ये क्यों सर मारे, क्या नाम है दोस्त? बोलिए। चुन इधर इधर आइए, थोड़ा सा पीछे आ गए, आपका क्या नाम है? सचिन मिश्रा। हाँ भाई, जब बोले घूमने निकले थे, चाय पीने निकले थे। हाँ भाई, आसपास में कहीं रहते हैं? यही घर है मेरा। घर यही है? हाँ। तो आप अच्छे से बता पाएंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी बंद हुए हैं, कुछ कोचिंग फी बंद हुए हैं, तो क्या पूरी तरीके से बंद हो गया? स्टूडेंट तो काफी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, ये लोग ना कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं करते सेफ्टी के, जैसे फायर वायर का हो गया तो वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर से खुल जाएगा। जिनके पास सेफ्टी के जो सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके खुले हुए हैं, और दृष्टि का सुना है जाने वाला है तो इसलिए, लेकिन जो बाकी जो स्टूडेंट्स वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लाइब्रेरी बंद है इसलिए भीड़ कम दिख रही है। बाकी तो स्टूडेंट कह रहे हैं कुछ लाइब्रेरी खुले हैं। हाँ खुले, काफ़ी सारे खुल रखे हैं। जैसे मेन रोड पे जो है ना वो सब बंद है, जैसे जो भी अंदर है पीछे उस समय कभी भी खुला। ये आप कहीं बाहर चाहे हैं या फिर आप यहीं रहते हैं? गांधी विहार में रहते हैं। तो गांधी विहार का क्या माहौल है, वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह हैं खाली हो गए? हाँ सब है, अभी सब है, सब इंतजार कर रहे हैं वो आर वाला एग्जाम और UPPCS वाला जो है ना, वो लड़कियों के इंतजार में आते रहते हैं। नहीं, यहाँ पे हाँ, सही बता रहे हैं क्या? कसम, अरे और क्यों है, फालतू बोल रहे हैं। लेकिन कॉमेडियन है आप ही बताइए, देखो हम लोग आप ही बताइए, आप एक मिनट अभी रुक जाइए। हाँ। आप सच बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी आना चाह रहे हैं बंद है? नहीं, मुखर्जी नगर टोटल बंद नहीं है, रोड का ये सब बंद है, अंदर में जो जा रहा है वो सब लाइब्रेरी सब। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं जैसे संस्कृति है, नेक्स्ट है, द स्टडी है, फिर ये लोग खुला है, पीछे क्लास है ना उधर, इसलिए चल रहा है परमानेंट। स्टडी में काफी दिक्कत वगैरह आती होगी, जैसे लाइब्रेरी बंद हुआ तो क्लास, लाइब्रेरी जब से बंद है पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पे सही में इतने ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे जो लाइब्रेरी में आते थे, अब ये भाई जैसे परेशान रहते थे इसलिए परेशान रहते थे, इनकी जो इन वो एक एक दोस्त दिन महिला मित्र। आपका क्या नाम है दोस्त? आपका क्या नाम है? जी सुरेंद्र। इधर आओ सुंदर, सुरेंद्र भाई आप क्या करते हो? आप तो आगे बात करूँ। जी मैं UPSC की प्रिपरेशन करता हूँ, और आप? जी मैं वैसे राजस्थान से हूँ बट मुखर्जी नगर ही रहता हूँ। कब आए थे? इसका इलाज करवाया अभी, लाइब्रेरी जब से बंद हुई तभी तो इतनी खराब हो गई थी ना इस लड़के की, घर रूम पे कॉमेडी कर रहा हूँ। सही बता सुरेंद्र, ठीक। अच्छा ये कॉमेडी भी करते हैं, मुझे पता चल गया है, कोई चैनल वगैरह भी है कॉमेडी का? कॉमेडी चैनल नाम बता दो। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब कॉमेडी विद सचिन मिश्रा। आप बताओ, आपसे बातचीत हो रही थी कि यहाँ पे कैसा माहौल है, आपको क्या लगता है? हिंदी माध्यम का ना, तो दृष्टि की कोचिंग नोएडा शिफ्ट हो गई चुकी है, बिकॉज वजह है कि थोड़ा फायर वगैरह जो MCD का रूल्स रेगुलेशन सिस्टम है उनको वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे 3 साल हो गए यहाँ डेली रहते हुए, बट वो ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का मानना ही है जो बेसमेंट में था वही बंद हुआ है, बाकी सबका भी चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, बेसमेंट को जो दृष्टि का नाम आता है बेसमेंट को लेकर के, तो वो वहाँ से बंद हो गए ना। बाकी आप जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद संस्कृति की है ना, और SSC की जितने भी इंस्टीट्यूट है वो भी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में हम अलग अलग लोकेशन पर बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात की। अभी एक यहाँ पे LPG है, बहुत सारी स्टूडेंट रहती हैं, रात का समय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुखर्जी नगर में जो एक अफवाह सी फैल रही है कि सभी PG बंद हैं, सारे स्टूडेंट रहते हैं, एक रूम यहाँ पे है, और इसमें भी एक स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका जी कहाँ से हैं आप? मैं UP प्रयागराज। आपका कब इस PG में आना हुआ था? मैं अप्रैल में आई थी। और यहाँ पे एक अभी ऐसी अफवाह सी चल रही है, कई डाउट स्टूडेंट कहें कि अभी हमें मुखर्जी नगर जाना चाहिए या नहीं, PG खुले हैं या बंद हैं, तो आपका PG बंद है या फिर खुला है, ये जरूर डाउट क्लियर। खुला है और यहाँ PG अच्छा है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, शांति रहती है, खाना भी ठीक है यहाँ का।
यूपीएससी की तैयारी करने आए थे या फिर एसएससी? नहीं, मैं सीडीएस की तैयारी कर रही हूँ, सीडीएस ओटीए की। आपका ऑफलाइन क्लास चलता है यहाँ पे? मेरा कॉलेज होता है तो मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ। मतलब मेरा नॉर्थ कैंपस में आपका कॉलेज है? हाँ, डीयू में है, तो मैं इसलिए ट्रैवल करती हूँ, डेली रेगुलर है, और फिर मैं ऑनलाइन लेट नाइट मेरा 7 PM से क्लास होता है। अच्छा, आप नॉर्थ कैंपस में कॉलेज की स्टूडेंट हैं और यहाँ पे सीडीएस की क्लास ऑफलाइन लेती हैं, कौन सी कोचिंग में लेती हूँ? बट मैं ऑनलाइन लेती हूँ। इनसाइड एसएससी। आप अपने कॉलेज जाते होंगे तो जब आप बाहर निकलते होंगे तो आपको मुखर्जी नगर में ऐसा लगता है कि अभी स्टूडेंट हैं या पूरा खाली हो गया है, क्या लगता है? अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन मेरे कॉलेज के भी बहुत सारे स्टूडेंट इधर ही रहते हैं, मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर। दिखाना सब्जी में होता है या नहीं? मतलब खाना अच्छा ही होता है, क्योंकि हम डेली जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो बोल देते हैं, चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़कियां आज आपको देख रही होंगी उनका डाउट ये होता है कि कभी पीजी बंद ना हो, तो आप ये बता दीजिए, बंद तो है नहीं? मैंने यहाँ से पूछ लिया। पीजी तो बहुत, मुझे लगता है 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया, और अच्छा भी है, चल भी रहा है, और अभी भी पीजी में ही हूँ। और जो स्टूडेंट का ये डाउट था कि क्या स्टूडेंट अपने घर चले गए या फिर नहीं है, तो आप देखेंगे ये गर्ल्स पीजी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, जो अभी कोई मार्केट गया है, कोई अपने लाइब्रेरी गया है, एक स्टूडेंट इस रूम में रहती है। इसी ये जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है और कब आए थे आप? मौसमी नाम है मेरी, मैं आसाम से आई हूँ और मैं इसी 9 तारीख को मैंने इस पीजी में शिफ्ट किया, और ये फर्स्ट पीजी और मैंने फर्स्ट इसी को चूज़ किया ऑनलाइन आपका ही वीडियो देख के। अच्छा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को भी ऐसा लग रहा है कि पीजी वगैरह बंद है, तो आपका बंद तो नहीं है? नहीं, अभी पीजी तो बंद नहीं है, और नेक्स्ट मंथ से पीडब्ल्यूसी में ज्वाइन करूंगी सी सेट क्लासेस, तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी ऑफलाइन। मुखर्जी ने? हाँ, ऑफलाइन उन्होंने बोला है। हाँ, बस श्योरिटी नहीं दी है, बट हाँ स्टार्ट होंगी। अच्छा। तो जैसे आप रूम पर रहते हैं, लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं? जी, जाती हूँ, नेहरू विहार साइड में लक्ष्य लाइब्रेरी में मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ लाइब्रेरीज चल रही है, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर चल रही है। पीजी के आसपास की लाइब्रेरी भी बंद? हाँ, 700 मीटर दूरी है, मैं डेली जाती हूँ, डेली लंच करने भी आती हूँ, फिर वापस जाती हूँ। आपने इतनी दूर आप क्यों आ गए? आप चाहते तो ऑनलाइन वगैरह कर सकते थे, आपका बहुत सारा पैसा बच जाता। आपने मुखर्जी नगर का रास्ता अपना लिया और इतनी दूर आ गए, फैमिली वालों की याद आ रही है? नहीं, हाँ फैमिली वालों की याद तो आ रही है, बट कुछ पोर्शन मेरे टफ है, लाइक सी सेट ऑप्शनल, तो उसी चीज़ों के लिए मैं यहाँ आई हूँ क्लासेस करने के लिए, बाकी तो मैं GS जो मेंस प्रीप मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देने वाले हैं? 2026। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं आप? जी, पॉलिटिकल साइंस में। जब आप बाहर जाते होंगे लाइब्रेरी वगैरह, तो आपको बाहर क्या लगता है, मुखर्जी नगर पूरा खाली है या फिर अभी भी स्टूडेंट हैं कुछ? नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब कल या परसों जब ये अपने घर से यहाँ पे आई हैं, उससे पहले इनका भी ये डाउट रहा होगा कि अभी जाना चाहिए या नहीं। इनको आने के बाद यहाँ पे क्या पता चला, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विरल है। आप जब यहाँ पे पहुँची हैं तो कल आई हैं या फिर आज ही आई हैं? मैं कल आई थी, कल दोपहर। तो आप UPSC की तैयारी करने आए हैं या फिर SSC CGL? SSC CGL की आई हूँ मैं तैयारी करने के लिए। तो किसी कोचिंग में आपने इंक्वायरी वगैरह ली है? हाँ जी, मैंने KD में की थी, KD लाइव में, उसमें तो मेरा मतलब एडमिशन हो गया है, अब क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी मेरे 24 से गोपालपुर में। तो जब आप घर से चले थे, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों को अभी बहुत सारों को ऐसा लग रहा है कि PG बंद होंगे, आपका PG बंद तो नहीं है? नहीं, मेरा PG बंद नहीं है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट अब आ रहे हैं SPG में, बहुत सब ने एडमिशन ले रखा है, अब और भी आ रहे हैं। और जो आप मुखर्जी नगर गए हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कोचिंग बेसमेंट में था वो बंद है, बाकी लगभग सबका चल रहा है जिनका बेसमेंट में नहीं था। आप इंक्वायरी करने के लिए गए तो आपके वालों ने बोला है कि ऑफलाइन चलाएंगे या नहीं, क्या बताया आपको? हाँ जी, ऑफलाइन चलाएंगे, और डेट भी बोल जाएगी, 24 से फिक्स है। क्या बनाया आज आपके? आज मटर पनीर बनाया है। और मॉर्निंग में क्या बना था? मॉर्निंग में पुलाव बनाया था। लंच में चावल। अच्छा, जब आप घर से चलने वाले थे, जब ऐसा कुछ डाउट था कि अगर हम गए, अगर सब कुछ बंद हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ था डाउट? हाँ जी, स्टार्टिंग में था, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, जैसे कि वो वहाँ पे जो बेसमेंट में कोचिंग वगैरह चल रही थी वो बंद हो रही थी ना, कि स्टूडेंट्स वगैरह की डेथ हो गई थी, मुझे भी यही वो था, लेकिन फिर यहाँ पे आके देखा कि ऑन है, जो मतलब बेसमेंट में चली थी सिर्फ वो ही बंद है, बाकी सब चल रही है अच्छे से। इस वीडियो में लगभग मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि PG खुला है बॉयज़ का और गर्ल्स का या नहीं, ग्राउंड पर लोगों ने क्या कहा, कैसा माहौल है, वो भी आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अभी एक PG में हैं हम, और यहाँ पे एक दोस्त हैं, ये खुद दृष्टि IAS के स्टूडेंट हैं, इनसे ही जानेंगे कि अभी इनकी क्लास कहाँ चल रही हैं
और क्या ये यहाँ पे जो क्लास चलती थी उसमें जाते थे या नहीं? क्या नाम है दोस्त आपका? जी मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश जी ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो अब नए आना चाहते हैं उनका ये डाउट है कि अभी हम मुखर्जी नगर आएँ या नहीं मुखर्जी नगर, उनको लगता है कि पूरी तरीके से बंद है जब से दृष्टि की क्लास बंद हुई है। आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या लगता है कि मुखर्जी नगर बंद है या नहीं, क्योंकि आप मुखर्जी नगर में ही रह रहे हैं अभी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस अभी भी चल रही हैं। जो क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी केवल वो बंद हुई हैं, और मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मेरी क्लास जो यहाँ चल रही थी वो बेसमेंट में चल रही थी, तो इसलिए संस्था ने वो यहाँ से क्लास बंद करा करके करोल बाग शिफ्ट करा दी हैं। बाकी जो क्लास चल रही थी नॉर्मल अच्छे क्लासेस में वो चल रही हैं अभी। कभी आपकी जो अभी क्लास बची हुई थी आपने कब दृष्टि को ज्वाइन किया था? ये हमारा बैच अभी 1 जून से स्टार्ट हुआ था, कुछ दिन पहले ही हुआ था जी। तो अभी जैसे आप मुखर्जी नगर में रहते हैं स्थानीय पीजी में, तो आप जब यहाँ से अप डाउन करते हैं करोल बाग जाने में तो कितना टाइम आपको लगभग लग जाता है डेली? ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहीं से, इसलिए अप डाउन कर रहे हैं, वहाँ काफ़ी महंगा भी है तो यहाँ से 50 मिनट में पहुँच जाते हैं पूरा। करोल बाग का पीजी यहाँ से महंगा है जी? यहाँ से करोल बाग में ज़्यादा महंगाई है हर चीज़ में, खाना पीना रूम रेंट हर चीज़ महंगा ही है वहाँ। आपको जैसे आप पड़ोस में जाते थे तो जल्दी पहुंच जाते थे, टाइम वेस्ट नहीं होता था, आप थोड़ा टाइम वेस्ट वगैरह हो रहा होगा? जी हाँ थोड़ा टाइम तो वेस्ट हो रहा है, थोड़ा करना पड़ेगा मैं एडजस्ट क्योंकि कोचिंग में उसमें। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे दृष्टि की जो टीम है लोग बताते हैं कि उन्होंने बोला था हम 15 को बता देंगे आपको कि आपकी क्लास और कहाँ शिफ्ट हो सकती है करोल बाग के अलावा, तो आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो हम 15 तारीख को शूट कर रहे हैं, हो सकता है आपको 1-2 दिन के बाद देखने को मिले, तो कुछ ऐसा पता चला कि आपकी क्लास अभी कहाँ जाएगी, ऐसा कुछ मैसेज आया दृष्टि से? जी अभी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, 15 तारीख का डेट विकास सर की क्लास हुई थी उसमें बताया गया था, तो लेकिन उन्होंने बता दिया था कि कुछ लेट भी हो सकता है लेकिन 20 तारीख तक कन्फर्म बता देंगे, लेकिन आज 15 तारीख है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन कोचिंग की संस्था से आया नहीं है। और इस पीजी में आप रहते हैं आपका पीजी बंद तो नहीं है? जी नहीं अभी चल रहा है, बच्चे काफ़ी नए भी आ रहे हैं। जब आपकी यही रहता है मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा, आपके क्या नाम है? आदित्य नाम है। और आपका? शुभम। शुभम जी ये बताइए जैसे आप लोग भी स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं जी, कब से हैं आप यहाँ पे? लगभग 2 साल। और आप? अगस्त 2022। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल जी अब बताइए आप कब से हैं? कोविड के आसपास हम लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से अलग अलग लोकेशन पे बात की है, वो सब ये कह रहे हैं कि मुखर्जी नगर जैसे पहले दृष्टि का क्लास चलता था जब काफ़ी क्राउड रहता था, लेकिन जब से बंद हुआ है तो जो नए स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं उनके पास मेल करते हैं पूछते हैं कि अभी आना चाहिए या नहीं, क्या यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया दृष्टि की क्लास बंद होने से, आपको क्या लगता है? नहीं सब कुछ तो बंद नहीं हुआ, कम हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, 1-2 महीने के बाद। मुखर्जी वगैरह खुला है क्या यहाँ? बहुत सारी लाइब्रेरी बंद हो गई, जैसे मुखर्जी नगर में आपकी लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं लेकिन यहाँ की लाइब्रेरी कुछ चल रही है। लेकिन बिहार की? हाँ नेहरू बिहार की लाइब्रेरी चल रही है। लेकिन क्या मानना है दोस्त जैसे जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उनका केवल ये मामला है कि अभी हम जाएं या ना जाएं, उनको ये लग रहा है कि सब कुछ बंद है, आप कभी सीनियर हैं क्या कहना चाहते? नहीं देखिए अभी सब कुछ तो नहीं बंद है और ये डिसाइड भी अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आगे अक्टूबर में UPPCS है और फिर से बैक टू बैक BRPCS है, फिर से RO का है पेपर, अब इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लड़के किस ओर जा रहे हैं। थोड़े लड़के कम हुए हैं लेकिन वो लड़के सब जो अभी न्यू लड़के थे जो क्लास कर रहे थे और दृष्टि की क्लासेस बंद हो गई हैं उसके वजह से लड़के कम हुए, लेकिन जो भी लड़के पहले के थे और जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही हैं, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और देखेंगे कि उनको क्या फैसिलिटी मिल रहा है एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम मेंस का अगर यहाँ पे प्रोवाइड होगा तो लड़के यहीं रहेंगे, क्योंकि जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हम मुखर्जी नगर से कहीं अलग जाते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता, यहाँ पे थोड़ा लगाव सा हो गया, ये क्या लगाव है? नहीं नहीं लगाव का मतलब एक हब हो जाता है कि आप जहाँ प्रॉपर तैयारी करते हैं, आप नोएडा में चले जाइए वहाँ कॉरपोरेट हैं और ये सभी लोग हैं तो वहाँ पे हब बनने में टाइम लगेगा और यहाँ पहले से चीज़ें सेटल हैं, इसलिए एक हटने में आप उस माहौल में जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी सेटल है, यहाँ हुआ या फिर करोल राजेंद्र नगर हुआ वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ दृष्टि तो हट गई है लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पुराने बच्चे हैं, अब दृष्टि नहीं रहेगी तो फिर नए बच्चे कौन आएंगे, सवाल ये है। तो करोल बाग में चल रहे हैं तो फिर या तो वहाँ जाइए, संस्कृति संस्कृति के अभी 2 बैच मैं सुना हूँ कि यहाँ पे अभी चल रहा है, शायद वो नॉर्म्स फॉलो कर रहे होंगे तभी चला रहे हैं। जैसे संस्कृति के बारे में कुछ लोग फैकल्टी के बारे में भी बात करते हैं कि फैकल्टी के बारे में थोड़ा आपको आइडिया वगैरह है कैसी है? संस्कृति तो एक अगर हिंदी मीडियम का कोर है इस समय, दृष्टि अब कहना नहीं चाहिए, दृष्टि का जो भी फैकल्टी है वो सब संस्कृति में चले गए हैं,
दृष्टि तो सब हायर किया हुआ है, टीचरों का अदला बदली वो जाते रहते हैं, टीचर कभी इसमें कभी उसमें। अभी जो फैकल्टी के मामले में कौन सा नंबर बने आपको क्या लगता है? हिंदी मीडियम में मेरे समझ से संस्कृति सबसे बेस्ट है फैकल्टी के मामले में, जो भी यहाँ पे मतलब जो 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ वो सब इस समय संस्कृति में है, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे। और कहने का मतलब है कि अगर संस्कृति चल रहा है तो कुछ लड़के नए आए ही होंगे, तभी चल रहा है और नॉर्म्स फॉलो हो रहा है। अब ये देखते हैं कि दृष्टि कहाँ वो कर रहा है अपना रिवील कर रहा है, उसके बाद ये डिपेंड करेगा। 15 तारीख को कुछ पता चला कि कहाँ हो गए? नहीं अभी तो कुछ नहीं है, बस वही चल रहा है जो अफवाहें कि नोएडा में हो रही कहाँ हो रही, क्लियर कुछ नहीं, क्लियर कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नोएडा भी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि नोएडा सब कुछ रखा रखा है, लड़का जाएगा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखा जाए तो कोई चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है। अब जैसे यहाँ पे नेहरू विहार और ये मुखर्जी नगर है, ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे अगर आपको रूम से अप लिए अगर खाने गैस ख़त्म होता है फ़ोन करिए तुरंत ला के पहुँचाएगा। नोएडा में ये सब होने में 4-5 साल मेरे मुताबिक 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। लड़के सेलेक्ट होने आए हैं, अगर जहाँ बेनिफिशियल जाते होगा अगर यहाँ से अच्छा लगेगा उनको तो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी अभी कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइज है और लड़के जाते जाते इधर उधर होना नहीं चाहते, एक जगह आते हैं तो लगता है कि सेलेक्ट होके ही जाएं। और जो दोस्त हमें मिलेंगे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्त हमारे पीछे खड़े हैं, ये भैया खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू कुमार। इधर आइए। कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं, बिहार से। ये बताइए आप यहाँ पे UPSC की तैयारी कर रहे हैं? BPSC की नहीं, तो UPSC कर रहे थे मगर UPSC इस बार प्लेन नहीं है। कई बार से ट्राई कर रहे हैं? हाँ ट्राई, इस सेकंड टाइम था। मतलब कौन कौन से एग्जाम के अभी अब तक आपने ट्राई किया? UPSC का फोकस है। फर्स्ट टाइम दिया BPSC का? क्या UPSC का फर्स्ट टाइम दिया आपने? नहीं BPSC का एक बार मेंस लिख चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी मुखर्जी नगर में क्या है, पूरा खाली सा हो चुका है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं खाली तो नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है स्टूडेंट है या खाली है? नहीं अभी खाली नहीं हुआ है, दृष्टि कोचिंग का भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है कि वहाँ नोएडा ले जाएंगे कौन सेक्टर में, वो कन्फर्म होगा तो यहाँ से 25% बच्चा जाएंगे ना। तो अभी नज़दीक में UPPCS RO है, फिर तुरंत BPSC नवंबर में है, इसके लिए सारा बच्चा तो BPSC वाला यहाँ भरा हुआ है। अब BPSC का वैकेंसी इस बार इतिहास का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1700 वैकेंसी आने वाला है, तो सारा बच्चा कब उसी पे फोकस है। 200 SDM पोस्ट है, तो BPSC नहीं होता है तो सब तो SDM की ओर भागता है, तो उसी के लिए सब अड़े हुए हैं। स्टूडेंट है एकदम खाली था? नहीं अभी खाली नहीं है, अब तो ज़्यादा स्टूडेंट अभी लग रहा है, अभी एकदम ज़्यादा। हाँ ज़्यादा लग रहा है, और आ रहे हैं उधर से मुखर्जी नगर से, इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं बच्चा, इधर ही आ रहे हैं, उधर थोड़ा खाली हो रहा है उधर ही सब आ रहे हैं। रहते हैं हम तो नेहरू बी ब्लॉक में रहते हैं। आपका नाम क्या दोस्त? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। प्रशांत जी कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। ये बताओ यहाँ पे स्टूडेंट है भी या ये भैया झूठ बोल रहे हैं कि बहुत बच्चे आ रहे हैं? नहीं मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट अभी हैं, जब तक RO ये सब एग्जाम BPSC नहीं होगा तब तक तो स्टूडेंट नहीं जाएंगे। टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, विजन है, ये सब तो अभी रहेगा, तो इस हिसाब से विजन का टेस्ट सीरीज वगैरह क्या था, बहुत तारीफ करते हैं। हाँ विजन का टेस्ट सीरीज तो मैंने भी इस बार दिया था अभ्यास का, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे उसका पैटर्न वैटर। आप यहाँ पे? मेरा एक साल से हो गया, एक साल अभी लग रहा है इतिहास खत्म हो गया। नहीं हम लोग तो सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है दोस्त, आपके पास काफ़ी अनुभव है, मुखर्जी नगर का इतिहास लोग कह रहे हैं कि खत्म हो गया है? नहीं अभी तो इतिहास खत्म होने कम से कम 4-5 साल लगेगा, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। यहाँ दृष्टि का ऑप्शन गया है कि वहाँ जाएंगे, क्योंकि बेसमेंट तो क्लास चलाने का ऑर्डर नहीं आया है, तो दृष्टि चल जाएगी, फिर धीमे धीमे जहाँ कोचिंग जाता है तो कोचिंग रहता है तो बच्चा भरता है, एक कोचिंग में तो बच्चा नहीं आएगा। और दृष्टि का कोचिंग पहले से जमा हुआ है, उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट पहले से है, तो उसका तो कोई उपाय है नहीं, वो जाएंगे तो बच्चा वहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका तो फिर कोई बेनिफिट यहाँ पे है नहीं। मुझे ऐसा आइडिया कि कौन कौन सा कोचिंग अभी चल रहा है? बीच में संस्कृति बंद हुआ था तो अभी टॉप फ्लोर में चला रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चला रहा, फिर उधर विजन चला रही है, फिर उधर ओनली IAS चला रहा, फिर उधर नेक्स्ट IAS, सब तो चल रहा है, खाली ओनली दृष्टि का क्लास यहाँ बंद है, करोलबाग में चल रही है। यहाँ जो बच्चा ऑनलाइन कम्फर्टेबल है वो ऑनलाइन ले रहा है, बाकी बच्चा जा रहा है करोलबाग जा रहा है, फिर बाकी बच्चा रूम से पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भैया का मैम सही UPSC का कहाँ गया आपका सेंटर? क्या चीज़? बिहार से हैं। आपका सेंटर कहाँ गया मैम? मेरा सेंटर ये करोलबाग की तरफ है, तो हम इनके ही सेंटर पर जाएंगे इस बार। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, प्रीलिम्स को लिए जल्दी ही आपसे मिलेंगे, इंटरव्यू लेने आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। एक दोस्त है यहाँ पे और ये बुक्स लेके शायद घूम रहे हैं, हमने अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारी फ्रेंड से बात की, देखो इन्हीं की तरह कैप एक दोस्त ने और लगा रखा है जो वहाँ पे है, वो देखो क्या नाम है आपका? मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी कहीं मिले हो। एक बार मिल चुके हैं जब। ये बुक्स वगैरह कहाँ से लाए, कौन सी बुक्स है ये? ये तो मैं तैयारी करता हूँ 2025 के लिए PCS की, तो मैंने यहाँ से खरीद रखी है ओनली PCS। मेन चीज़ क्या है कि यहाँ मुखर्जी नगर में अभी फ़िलहाल में
दृष्टि का लोग बोल रहे हैं कि जा रही है, कहाँ आ रही है, कि जा रही है, कहाँ आ रही है, हमें एक बात बताइए, दृष्टि चली भी जाती है तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्या कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं? आप एक चीज़ बताइए हमें, सचिन तेंदुलकर रिटायर ले गए तो उनकी जगह विराट कोहली ने ली, विराट कोहली रिटायर ले जाएंगे तो और कोई आएगा, तो दृष्टि पहले तो यहाँ से जा नहीं रही है, आज चली भी जाएगी, आप एक बात बताइए, क्लासरूम में इलीगल तरीके से चला रहे थे बेसमेंट में तो वो बंद हो गया है, दृष्टि चली भी जाती है, पहले तो ये जाएगी नहीं ये, हाँ एक बात बताइए, पहले मुखर्जी नगर था या पहले दृष्टि थी? मुखर्जी नगर की वजह से दृष्टि का नाम हुआ, अब इनकी ऑफिस है वहाँ पे, ऑफिस ये कभी नहीं ले जाएंगे यहाँ से, और ये कहते हैं नोएडा जा रहे हैं, करोल बाग जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, ये यहीं रहेंगे, और वो ऑफिस तो ये ले जाएंगे नहीं, अब एक बात मान लेते हैं कि ये चले भी जाते हैं यहाँ दृष्टि से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप ये बताइए? बहुत सारे यहाँ पे नए नए कोचिंग वगैरह हैं जो इनसे अच्छा कंटेंट देते हैं, अब आप संस्कृति की बात करेंगे, इनसे अच्छी फैकल्टी है उनके पास, आपको मैं एक बात पूछता हूँ, दृष्टि में विकास सर के मार्गदर्शन में चलती है, मैं भी दृष्टि में जॉब करता था कभी, तो हम लोग स्टूडेंट को बताते थे कि आपको ज्योग्राफी, वो पूछते थे कि ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, तो हम उनसे बोलते थे कोई भी पढ़ाएगा बेस्ट होगा, विकास सर के देख रेख में पढ़ाया जाएगा, आप हमें बताइए कौन पढ़ाएगा ज्योग्राफी, कौन, कभी कोई टीचर का नाम नहीं बताए, आप संस्कृति के पास चले जाइए, उनके पास फैकल्टी है, आप देखेंगे तो इनसे अच्छा तो विजन का कंटेंट है, आप विजन के पास देख लीजिए, और आप ये चले जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नए 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 आ जाएंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम है? कुछ खाली हो गया, मुखर्जी नगर खाली हो गया, नेहरू विहार खाली हो गया, तो मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ दृष्टि को क्यों देखते हैं? मणिकांत सर को देख लीजिए, विकास सर से कम है क्या? वो 3 लाख फीस लेते हैं, 3 लाख में हमारे गाँव में, 3 लाख में हमारे गांव में खेत आ जाता है 3 बीघा, और आते ही ये ले लेते हैं 3 बीघा बच्चे से खेत, आप हमें बताइए 3 बीघा में गुस्से में लग रहे हो? गुस्से में क्या, आपके बात बताइए, ये लोग यहाँ पे सिर्फ माफियागिरी करते हैं, अब नया ट्रेन चला दिया, मुखर्जी नगर खाली हो गया, आपको मैं, आपके पास समय हो 2-4 मिनट तो आप यहाँ पीछे नेहरू विहार में मार्केट है लगती है यहाँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मैं नेहरू विहार कितना खाली हो गया, मुखर्जी नगर कितना खाली हो गया, तो बस यही अजीब चल रहा है, अजीब खेल चल रहा है। तो संस्कृति को आप कैसे बता रहे हैं कि फैकल्टी के मामले में बेस्ट है, आपको क्यों ऐसा लगता है? फैकल्टी मेन चीज़ क्या होती है, फैकल्टी टीचर किसके पास अच्छे हैं? अभी आपको मैं पूछना चाहूँ कि दृष्टि के 2 टीचरों का नाम बता दीजिए, विकास सर के अलावा आप बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ बता दीजिए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बता दीजिए, किसी का नाम बता सकते हैं? वो अपना लिखते ही नहीं है टीचर का नाम, टीचर कोई है ही नहीं इतना अच्छा, कोई फैकल्टी जी अच्छी नहीं है, और मैं आपको अभी संस्कृति का पूछूँ तो आप बता दें, एक आध का तो बता ही देंगे। अच्छा लगभग यहाँ पे किस किस की क्लास अभी चल रही है, आपको क्या लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किस किस की क्लास अभी मुखर्जी नगर में लगभग चल रही है, कौन कौन से कोचिंग की कुछ आइडिया है? संस्कृति की चल रही है, विजन की चल रही है, नेक्स्ट आई एस सब की चल रही है, इनका इलीगल तरीके से ये बनाए हुए थे नीचे बेसमेंट तो वो बंद कर दिया है, अब ये कह रहे हैं यहाँ से शिफ्ट होंगे, नोएडा शिफ्ट होंगे, नोएडा ऑफिस शिफ्ट नहीं करेंगे, ऑफिस यहीं रखेंगे, ऑफिस तो यहीं रखेंगे, स्टूडेंट को यहाँ आएंगे, स्टूडेंट आएगा यहाँ फंसाएंगे, फिर स्टूडेंट को भेजेंगे नोएडा, वो 20,000 का वहाँ रूम लेगा, वहाँ रहेगा, बर्बाद होगा। तो यहाँ पर रहने में स्टूडेंट का फायदा है वहाँ जाने में? यहाँ एक बात बताओ, वहाँ जाने में क्या फायदा है, क्या दृष्टि कोई, तुम्हें एक बात बताइए, अब विकास सर आईएएस बनाते हैं क्या, बताइए अब विकास सर बनाते हैं आईएएस, विकास सर अपने बेटा बेटी को बनाते हैं आईएएस, अब बेटा बेटी को ना बना दें तो अपने सगे संबंधियों को बना दें, बेटा बेटी के लिए इतना पैसा कमा के रख दिया, वो लोग जबरदस्ती बनाएंगे जब वो ना बनना चाहे। अरे कहते हैं ना ये, आपने इनकी रील नहीं देखी होगी, एक ये आप देखेंगे जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो ये स्टूडेंट जो सिलेक्शन होते हैं उन्हें बुलाते हैं ये लोग, तो उन्हें आईएएस थोड़ी बनाते हैं, इन्हें भारत का जो भारत सरकार है उसका मुख्य सचिव बनाते हैं, डायरेक्ट गृह सचिव बनाते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं कि ये जो आप लड़की देख रहे हैं ये आपको 8-10 साल बाद आपको मुख्य सचिव दिखाई देगी, 10 साल बाद आप देख रहे हैं ये आईएएस नहीं है, मुख्य सचिव गृह सचिव बने हुए हैं। कौन सी किताब लेके जा रहे हैं, क्या है, कहाँ से लाए हैं? ये देखो हमारा क्या है, हमारा अलग चलता है, मैं जितनी ऊंची दुकान उससे मैं ही रहता हूँ क्या हमेशा, पहले भी कभी मिले थे? मैं नहीं रहता, मैं माफियागिरी ये जो फीस लूटते हैं इसके लिए मैं इनसे बात करता हूँ, इनकी मतलब आलोचना करता हूँ। 3 लाख फीस किस बात की लेते बताओ आप, क्यों लेते 3 लाख फीस? मैं आप कैमरे के सामने बोलता हूँ आपसे, 3 चीज़ लिख के ले लीजिए होने वाली हैं, दृष्टि की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये ऑफिस नहीं ले जाएंगे कहीं भी मुखर्जी नगर से, दूसरी चीज़ ये जो है अब फीस कम करेंगे, इनका क्या अब क्या हो रहा है कि ये लोग डिस्काउंट लाते हैं, हर दो 2-3 हफ्ते बाद डिस्काउंट लेके आते हैं, इनका कोई ऑनलाइन क्लासेस कोई ले नहीं रहा है,
तो डिस्काउंट लेके आ जाते तो 1 लाख की जो फीस है वो 50,000 में देते दे देते हैं। तो इनका यही चल रहा है सब। अब दूसरी बात ये गई, ये फीस कम करेंगे 100% लिख के ले लीजिए हमसे। तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। तीसरा सुन लीजिए, तीसरा ये होगा विकास सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब ये पिछले 5-6 साल से नहीं पढ़ा रहे थे, अब स्टार्ट करेंगे। ये तीन चीजें आप लिख के ले लीजिए, पिछले 6-7-8 महीने या 1 साल में होने वाला है। दृष्टि सब कुछ है क्या? अब खान सर को देख लीजिए कितनी कम फीस लेते हैं। अब मणिकांत कितना एक्सपीरियंस मणिकांत सर को, ये आप हमें बताइए। सिर्फ फीस से ही कोचिंग बड़ी होती है क्या? अब हम इसकी बात कर रहे हैं। हम कौन सी है क्या? ओनली PCS की है, नया चैनल है, मतलब नया है, हमें इसे ही पकड़ते हो क्या? मेरा ये है कि जो ऊंची दुकान फीके पकवान है, हम ऊंची कभी दुकान पर नहीं जाते। अब ये है, हम इससे ही पसंद करते हैं, इसका कंटेंट भी हम पसंद करते हैं। तो इसे हम 2025 के लिए मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। PCS की कौन सी है, नाम क्या है? ओनली PCS का, ये प्रीवियस ईयर की सर की है, ये अनुज सर की है। आप देख रहे हैं ये जो कैलाश सर तिवारी हैं, जो मतलब MPPCS में सिलेक्टेड हैं 2017 और PCS में सिलेक्टेड हैं, तो उनकी ये किताब। अब मेन चीज़ क्या है कि स्टूडेंट बड़े बड़े टीचरों के पास घूमता फिर रहा है। आप हमें बस एक छोटी सी बात बताइए, कभी कोई छोटे कोचिंग वाला कंटेंट अच्छा नहीं दे सकता क्या? बताइए, कंटेंट अच्छा नहीं दे सकता? अब हमें तो इनका कंटेंट अच्छा लगता है PCS के लिए, और आपको देखेंगे सब कुछ इसमें दिया हुआ है विद उदाहरण निष्कर्ष के साथ साथ। 2018 समय क्यों रहते हो गुस्सा में? नहीं रहते, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया, सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, विराट कोहली ने जगह ली सचिन तेंदुलकर की, नहीं। अब विराट कोहली रिटायर होगा, कोई दूसरा जगह लेगा। अब ये लोग हैं, ये चले जाएंगे, कहीं भी नहीं जा रहे, ऑफिस कभी नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यही मुखर्जी नगर में। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर, आपका क्या नाम है? 2 मिनट बात करेंगे क्या? कर लेंगे। हम इस विषय में नहीं, हम तो गार्जियन हैं। अच्छा, यहीं आज ही आए हैं क्या? हाँ, तो आज ही। तो UPSC की तैयारी कराने आए? बेटा है बेटी को? हाँ, बेटा है। तो मतलब क्या पता चला आपको, कोचिंग बंद है या फिर कोचिंग वालों ने क्या बताया? कोचिंग तो चल रही है ये, और जो ये घटनाएं घटी है तो घटा करती है, इसमें कोई वो तो है नहीं, लेकिन जो है ठीक तो है कि कोचिंग तो हमको। अच्छा, जब आप आए तो आपको क्या पता चला, जैसे कौन कौन सी कोचिंग खोली आप किसी में गए थे पता करने? नहीं, हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारा भैया गया था जो है, और उसने जो है जो यहाँ 3-4 कोचिंग है उसने देखा था। कहाँ से आए थे सर आप? हम उन्नाव से आए। आज सुबह ही आए थे या कल रात में आए थे? नहीं, आज सुबह आए। तो आपको कैसा लगा मुखर्जी नगर? इससे पहले आप भी कभी तैयारी करने आए थे क्या? नहीं, हम नहीं तैयारी करने आए थे, लड़का हमारा तैयारी करने आया था, 1 साल हो गए हैं उसको, अब वो टेस्ट देने वाला है। देखेंगे, काफ़ी दुकान पे भीड़ रहती है, ये भैया की दुकान है, इनका नाम है अयोध्या चाट भंडार। इनसे पूछता हूँ कि बच्चे हैं या नहीं, इनको सही पता रहता होगा भैया को ये कुछ बना रहे हैं अभी। क्या नाम है भैया आपका, बताएंगे नाम अपना? अर्जुन। की दुकान पे स्टूडेंट आते हैं या नहीं, ये पूरा खाली हो गया है? आते हैं। कितने बजे तक लगाते हैं आप अपनी ये दुकान डेली? 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम को 5 बजे। ठीक है, आप बनाओ। कुछ दोस्त यहाँ हैं, सब्जी लेके आया संडे मार्केट से। क्या नाम है दोस्त? अभिषेक जैन। अभिषेक जी, कहाँ रहते हो और कब से आप इधर हो? मैं 2021 से हूँ यहाँ पे, और यहीं नेहरू विहार में ही रहता हूँ। आप भी दृष्टि के स्टूडेंट? हाँ, दृष्टि। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी बढ़िया चल रही है फिलहाल में, अब एग्जाम निकल जाए तब तो मानो के बहुत बढ़िया है। तो मतलब सब्जी संडे मार्केट से ही लेके आए? हाँ, इसी मार्केट से। पीछे तो मार्केट लगता है, इसमें स्टूडेंट का क्राउड था, बच्चे दिख रहे थे इसमें या ये भी पूरा खाली? बच्चे हैं। अंकित। आपको क्या नाम है दोस्त? संजीव। आप दोनों लोग कहाँ से हो? हम पटना। आप? पटना से। कब आए थे दिल्ली? हम तो 3 महीना पहले आए थे। कोचिंग कोई ज्वाइन करेंगे? दृष्टि कोचिंग। दृष्टि, दोनों लोग 3 महीने पहले ही? नहीं, हम 1 साल पहले आए थे। तो आपका क्लास वगैरह अभी कहाँ कैसे चल रहा है? अभी तो करोल बाग में चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद नोएडा में चलेगा। सर आए थे, विकास देवकृति सर, आज हम लोग एक क्लास में आए थे मंडे को, तो वो बोले हैं कि नोएडा शिफ्ट होगा। हाँ, करोल बाग से आने जाने में भाड़ा लगता है सर। मुखर्जी नगर में आपको फायदा होता था या वहाँ जाने में हो रहा है करोल बाग? यहाँ पे अच्छा लगता था, यहाँ से निकलते थे, ब्लॉक सी में हम रहते, निकल के जाते थे क्लास, फिर चले आते थे। रेंट वगैरह भी इधर का कम था, 8,500 था, वहाँ करोल बाग में पता किया 15,000 रूम नॉर्मल। लोग डेली अप डाउन करते हैं क्या? नहीं, मेरा क्लास ऑलमोस्ट 80 कवर हो गया। दोस्तों, आप ये वो पुल देखेंगे जो नेहरू विहार का है,
इस पर हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। जब दृष्टि का क्लासरूम चलता था जब भी इतनी भीड़ रहती थी, और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे संडे मार्केट लगता है, इसमें अधिकतर आपको स्टूडेंट ही मिलेंगे मुखर्जी नगर और नेहरू विहार के अंदर। हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ है और हमारा जो माइक है वो वायर वाला है, पैरों में फंस जाता है। यहाँ स्टूडेंट का ही पूरा क्राउड इस मार्केट में रहता है, तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा हल्का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अभी स्टूडेंट हैं। और हम थोड़ा भी लेट आए थे, आप देखेंगे लगभग इतने बजे आए हैं तो ज़्यादातर क्राउड निकल चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनसे बात की, आप देख लगभग 9:30 बजे हम आए हैं तो क्राउड अधिकतर निकल चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा इस तरीके का हमें लग रहा है काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर अभी है। और अगर जो स्टूडेंट हमें बहुत सारे ऐसा पूछ रहे थे कि किस किस का क्लासरूम अभी यहाँ पे चल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ संस्कृत IAS का क्लासरूम अभी चल रहा है क्योंकि बेसमेंट में नहीं था, नेक्स्ट IAS का चल रहा है, विजन IAS का चल रहा है, और इसके अलावा मणिकांत सर का चल रहा है। बहुत सारे ऐसे UPSC के कोचिंग हैं जिनका बेसमेंट में नहीं था, वो सारे खुले हुए हैं।